नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। सोशल मीडिया का वो दौर चल रहा है जहां किसी भी घटना को फैलने में समय नहीं लगता। आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। आपके पास भी सोशल मीडिया के किसी न किसी माध्यम से ये वीडियो आया होगा। पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बताएंगे क्या है सच इस वीडियो का। कारीगरी देखो, कारीगरी बहुत अच्छी। पानी मार दें, साफ सफाई करा दें, और एक दो दिन पहले जाते हैं वहाँ पे। श्रीराम कम यू नो नहीं, हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं आती, वहां जाने में मारा पड़ा था। वीडियो में ढहे हुए मकानों को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं और शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार ने रास्ते में पड़ने वाले करीब 80 मकानों को खरीद लिया है। और खरीदने के बाद जब इन घरों को साफ किया गया तो इन घरों के अंदर से 45 पुराने मंदिरों की खोज की गई। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो इस वीडियो से जुड़ी है और कुछ ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया का बाखूबी इस्तेमाल करने वाले ये महाशय हैं अरुण नोवल, जो लिख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ से गंगा नदी तक सड़क को चौड़ा करने के लिए मोदी ने रास्ते में पड़ने वाले 80 मुस्लिम घरों को खरीद लिया। जब उन्होंने उन्हें साफ करना शुरू किया तो इन घरों के अंदर से 45 पुराने मंदिरों की खोज की गई। औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को कुलख्यात ज्ञान वापी मस्जिद में परिवर्तित करने के बाद अपने कुछ सैनिकों को मस्जिद के चारों ओर इन छोटे मंदिरों पर कब्जा करके अपने घर बना लिए थे। अब पीएम मोदी ने इन अवैध मुस्लिम अतिक्रमणों को हटा दिया। और आखिर में ये शख्स लिखता है, देखिए वीडियो। देखो भाई, देखिए आप लोग क्या बात है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। वाह रे मोदी जी, आपने जो कमाल किया है, हैं? वो रियली कमाल की चीज है। और न भूतो न भविष्यति, हैं? वाह। सभी देखिए, सब ये घरों के अंदर से निकले हुए मंदिर हैं। क्या कभी कल्पना की जाती थी कि क्या ये सब तो हिंदू ही लोग थे, हैं? ये क्या किया, मतलब हम लोगों का स्वार्थ कितना प्रबल होता है, हैं? कितने मूर्ख हैं, कितने नीच हैं, हैं? सोचिए, ये सही में मोदी जी ने कहा था भाई साहब कि मुझे माँ गंगे ने बुलाया है। हाँ, कल्पना नहीं कर सकते थे इस व्यक्ति के लिए। ओह, जैसा कि किसी को पता ही नहीं चला। देखिए देखिए, घरों के अंदर से मंदिर, और क्या ये तो लगता है हमको 300 फीट से अधिक चौड़ा है भाई साहब। भाई साहब, या वहाँ से वहाँ तक लिए 300 फीट से कम नहीं होगा।
और इधर देखिए सीधे माँ गंगे नजर आ रही हैं एक तरफ ये देखिए, और ठीक इसके सामने दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ का दर्शन। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और इस सब के बीच में जरा हमको भी तो ले लीजिए भाई, हाँ भैया जरा हमारा भी तो फोटो हुआ ले लीजिए कि हम भी आ गए कि नहीं आ गए। एकदम आ गए कि आ गए। अरे वाह 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 टाटा। आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शख्स हैं हिंदू पवन अग्रवाल, जिन्होंने सभी कुछ अरुण नोवल जैसा ही लिखा है। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ ये दो शख्स नहीं, इन जैसे और भी शख्स हैं जो सोशल मीडिया में खबरों को एक बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं और अराजकता को फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये खबर फैलाई जा रही है तो हमने इसकी सच्चाई जानी। तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये पता चला कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण की योजना का काम करने के लिए सरकार ने काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को गठन किया है और इस परिषद के उत्तर प्रदेश के अधिकारी विशाल सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CIO के पद पर कार्यरत हैं। जब उनसे मंदिर परिसर के निर्माण के लिए मुस्लिम घरों को खरीदे जाने और उनमें हिंदू मंदिरों की खोज का प्रश्न किया तो उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया। और इस भ्रम के बाद अधिकारी विशाल सिंह ने इस परियोजना को लेकर पूरा विवरण भी दिया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 249 मकान खरीदे गए हैं इस योजना के लिए। उन घरों में से एक भी घर किसी अन्य धर्म का नहीं था, ये सभी घर सनातन धर्म के हिंदू समुदाय के ही थे। 249 में से अब तक 183 मकान ही तोड़े गए हैं, तो वहीं टूटे हुए मकानों में से छोटे बड़े मंदिरों की संख्या मिलाकर कुल 23 मंदिर मिले हैं। साथ ही मंदिर प्रशासन के अनुसार ये भी पता चला कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना की मूल भावना ये है कि गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर साफ साफ दिखाई दे। पर आज हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की शांति को भंग करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, पर उनकी इस कोशिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी आपको निभानी है। और आप तब जिम्मेदारी निभा सकेंगे जब आप उस फेक न्यूज़ को शेयर करने से पहले अलग अलग माध्यम से जांचेंगे। अपने देश की सुरक्षा शांति सब आपके हाथों में है। समाचार इंडिया आप सभी से अपील करता है सोशल मीडिया में फेम के लिए अपने देश के लोगों के धर्म के नाम पर उनके टुकड़े ना करें। प्यार के संदेश को सोशल मीडिया पर फैलाएं, नफरत को नहीं। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।